फिर से स्वागत है मेरा इस चैनल पर जिसका नाम है एनजे प्लेनेट। हमने अपने चार्ट के हिसाब से 3 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है। तो जैसे मैं सुबह से हॉकी खेल रहा हूँ, तो मैं सुबह से हॉकी और अभी तक खेल रहा हूँ, तो ये इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। पहले हम इनके रूल समझेंगे और फिर उदाहरण समेत इन्हें आगे समझेंगे। तो नंबर एक रूल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है सिंस और फॉर लगेगा। सिंस वहां पे लगेगा जहां पर हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो, उसमें हमें एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए, और फॉर अनिश्चित समय के लिए लगता है। नंबर टू हैज हैव प्लस बीन। नंबर थ्री वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। नंबर चार नेगेटिव सेंटेंस में हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन लगेगा। हैज और हैव सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे। इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव सब्जेक्ट से पहले लगेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो हम उदाहरण के लिए जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। आप पिछले 5 सालों से अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो हमें इसे इंग्लिश में बनाएंगे। यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव बीन यू के साथ हैव लगेगा। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हैज लगता, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज हैव बीन और स्पीकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी था। अनिश्चित समय है पिछले 5 सालों से, तो उसके लिए फॉर लगेगा यहाँ पर। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 ईयर्स। अब इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। आप पिछले 5 सालों से अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो इसमें बस क्या चेंज होगा, हैव और बीन के बीच नोट लग जाएगा, और हैज हैव तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेंगे, तो हमारा यू प्लूरल सब्जेक्ट है। अब हम इसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगी जहां, क्योंकि इसमें हमने पिछले सेंटेंसों में फॉर का यूज किया था, तो इसमें सिंस का यूज करेंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे इस सेंटेंस में। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मैं सुबह 9 बजे से गेम खेल रहा हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में बनाएंगे हैव आई बीन प्लेइंग गेम सिंस 9 AM और क्वेश्चन मार्क। तो ये सब्जेक्ट है हमारा आई से पहले हैज हैव आएगा, तो आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आया है। उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, और हमें टाइम एग्जैक्ट टाइम पड़ता है सुबह 9 बजे से, तो हमें 9 बजे से ये हमारा एग्जैक्ट टाइम है, तो इसलिए हमारे इस वाक्य में सिंस का प्रयोग होगा। तो इसका रूल हुआ हैज हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और आगे का पूरा सेंटेंस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम
चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है और पास्ट में ही वह काम हो रहा है, तो इसका मतलब होता है जब हम कोई काम पास्ट में शुरू करते हैं और वह पास्ट में ही हो रहा होता है। तो इसमें जैसे सेंटेंस लेंगे, मैं सुबह से हॉकी खेल रहा था, तो ये हमारा काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही हो रहा था, तो ये पास्ट में ही है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो इसके रूल्स हम पढ़ लेते हैं। नंबर एक, सिंस लगेगा उन सब वाक्यों में जिसमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है, तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है। फोर, जो हमें अनिश्चित समय होता है, जो हमें वाक्यों में टाइम का नहीं पता होता, तो उसमें फोर लगता है। नंबर दो, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसमें हैज हैव नहीं होगा, सारे सेंटेंसों में हैड बीन लगेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। हैड, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सब में हैड बीन ही लगेगा। नेगेटिव वाक्यों में हैड नॉट बीन लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव वाक्यों में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर और क्वेश्चन मार्क लगता है। अब हम इन्हें उदाहरण के साथ समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम उदाहरण के साथ समझते हैं। पहले हम अफर्मेटिव वाक्य को लेंगे। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। वो 8 बजे से किताबें पढ़ रही थी, वो मतलब वह। तो सी हैड बीन रीडिंग बुक सिंस 8 o'clock। तो हमें हमारा ये सेंटेंस इंग्लिश में हो गया सी, सी मतलब वही, यानी कि वो, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया और इन सभी सेंटेंसों में हैड बीन लगेगा, तो ये हैड बीन आया। उसके बाद रीडिंग, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी लगेगा, और बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, किताबें, और ये 8 बजे से हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, तो हमें इसमें सेंटेंस में सिंस लगाते हैं और 8 o'clock। तो हमारा पूरा सेंटेंस हुआ सी हैड बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। अब हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। वो 8 बजे से किताबें नहीं पढ़ रही थी। सी हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। तो सी सब्जेक्ट हो गया, हैड और बीन के बीच सिर्फ नोट लग जाएगा, इसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा, सिर्फ नोट लगेगा हैड और बीन के बीच में। रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये 8 बजे से हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, तो हमें इसमें सेंटेंस में सिंस लगाते हैं और फिर पूरा वाक्य कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया सी हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। अब हम इसी सेंटेंस का इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हैं। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या वो 8 बजे से किताबें पढ़ रही थी? हैड सी बीन रीडिंग बुक्स सिंस 8 o'clock। तो हमारा हैड सब्जेक्ट से पहले लग गया प्रश्नवाचक वाक्यों में, फिर हमारा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और पूरा वाक्य। तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता था, तो हमने इस वाक्य में सिंस का प्रयोग किया है। और जो हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, तो हम इसमें फोर का प्रयोग करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा और फ्यूचर में ही वो काम कंटिन्यू रहेगा। जैसे एक सेंटेंस समझते हैं, वह सुबह से हॉकी खेल रहा होगा। तो इस वह सुबह से हॉकी खेल रहा है और खेल रहा होगा इसमें, और अभी तक कंटिन्यू है, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अब हम इसके उदाहरण सहित रूल समझ लेते हैं।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। उदाहरण के लिए पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, वह 8 बजे से इस किताब को पढ़ रही होगी। तो इसे इंग्लिश में बनाते हैं, सी विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 8 o'clock। तो इसमें हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, ये शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और पूरा वाक्य। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे। तो सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए विल हैव बीन आया है, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो शैल हैव बीन लगेगा। अब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। ये नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, वह 8 बजे से इस किताब को नहीं पढ़ रही होगी। इसे इंग्लिश में बनाते हैं, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 8 o'clock। तो इसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ है, विल और हैव बीन के बीच नोट लगेगा नेगेटिव वाक्यों में, और कोई चेंज नहीं होगा। और शैल हैव बीन और विल हैव बीन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगे, और इस सेंटेंस में हमें एग्जैक्ट टाइम पता है तो इसलिए इसमें सिंस लगेगा। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बनाते हैं। इंटरोगेटिव वाक्य यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, क्या हम 2 घंटे से बातचीत कर रहे होंगे। तो इसे इंग्लिश में बनाते हैं, शैल वी हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो हमारा सब्जेक्ट वी है तो वी से पहले शैल लग गया है प्रश्नवाचक वाक्यों में, फिर उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर पूरा सेंटेंस। इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था तो इसमें फोर का यूज हुआ है। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है तो सिंस का यूज होता है। तो इसका रूल हुआ विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर, और फिर पूरा सेंटेंस, और इसमें लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्यों में ये चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया है। अब हमारे चार्ट के हिसाब से हमारे सारे टेंस कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारे सारे टेंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टेंस समझ में नहीं आए हैं, आप इन्हें दोबारा से देखना या समझना चाहते हैं, तो प्लीज आप मेरे पार्ट फर्स्ट से लेकर पास्ट 5 तक के सभी टेंसों को देख सकते हैं, और उससे आपको ये क्लियर हो जाएंगे। आप इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको टेंस आसान लगने लगेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।